अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन क्यों आया कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन आता है इस वीडियो में मैं कुछ आपको डिप्रेशन की जो है वो वजूहत बताने की कोशिश करूँगा और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है तो कोशिश करें कि उस वजह को ख़त्म करने के ऊपर काम करें और कभी भी एंटी डिप्रेशन को आप अपनी फ़र्स्ट अप्रोच ना रखें फ़ौर से पहले एंटी डिप्रेस की तरफ ना जाएं सबसे पहले खुद से कोशिश करें खुद से कोशिश करें मैं खुद से कोशिश करने के लिए लोगों को ज़्यादातर मोटिवेट इसलिए करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जिस दर्द तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ मैं नहीं चाहता कोई और गुज़रे तो प्लीज़ सबसे पहले आप ख़ुद से कोशिश करें अगर आपको पता चल गया आपकी ज़िंदगी में कौन सी वजह है जो आपको डिप्रेशन दे रही है तो बेहतर नहीं कि आप उस वजह को ख़त्म करें ना कि आप एंटी डिप्रेशन खा खा के साथ और भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप अपने अंदर डाल लें तो बेहतर है ना कि उस वजह को ख़त्म करें अब डिप्रेशन वो फीलिंग्स होती हैं कि जिसमें इंसान पास्ट को याद करता रहता है अपने माजी में हुए इंसिडेंसेस को याद करता रहता है और ख़ुद को परेशान करता रहता है सबसे बड़ी जो वजह हमारे अंदर डिप्रेशन की होती है माँ बाप अगर हमारे माँ बाप को डिप्रेशन है तो हमें भी डिप्रेशन होने के चांस होते हैं अगर घर में लड़ाई झगड़ा था बचपन में तो भी हम जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं हसास तबीयत ज़्यादा सोचने की आदत ज़्यादा परेशान होने की आदत घर में अगर गुर्बत हो भूख हो मैदे की खराबी हो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नींद की खराबी ख़ुराक की खराबी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है कोई जिसमानी बीमारी घर में जहनी मरीज़ का होना लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा और एस ए डी सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर जो कि सर्दियों में होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है जैसे मौसम बदलता है इंसान ठीक हो जाता है पी टी एस डी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मर्द का बिला वजह घर रहना कोई काम ना करना इन्वायरमेंटल या सिचुएशनल स्ट्रेस जो है वो हमें डिप्रेशन का मरीज़ बना देता है अब ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन आता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें रीज़न को फ़ाइंड आउट करना है अगर हमारी ज़िंदगी में रीज़न फ़ाइंड आउट हो गया तो अब उस डिप्रेशन को ख़त्म करने का हमें जो है वो काम करना है मोस्टली लोगों में देखा गया है कि जिनको माँ बाप की तरफ से डिप्रेशन मिलता है वो हमेशा माँ बाप को बुरा भला कहते रहते हैं हमेशा माँ बाप को कोसते रहते हैं और अपने आप को बार बार उस डिप्रेशन में डालते रहते हैं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि माँ बाप की तरफ से आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आया तो इसे कुदरती इम्तहान समझ कर भूल जाएं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ और कोशिश करें कि ऐसा डिप्रेशन आप अपने बच्चों में मुंतकिल ना करें अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो जब आप छोटे थे और घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे तो आप तो उस वक्त कमज़ोर थे आप कुछ कर नहीं सकते थे आप हालातों को बदल नहीं सकते थे तो जिन हालातों को आप बदल नहीं सकते थे फिर उनके जिम्मेदार आप कैसे हो गए बस उस वक्त को भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ यही सोचे कि घर में जो भी लड़ाई झगड़ा था वो माँ बाप करते थे या बहन भाई करता था कोई भी करता था वो अपनी अकल के हिसाब से उस वक्त बेहतरीन करता था बस जो हुआ सो हुआ अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अब अपने लड़ाई झगड़ों को सिर्फ अपने तक रखूं और अपने बीवी बच्चों के साथ इस लड़ाई झगड़े को ना शेयर करूं ताकि ये लड़ाई झगड़ा जो है वो आगे ना जा सके और डिप्रेशन का एक और जो है वो फेस आगे ना मूव हो हसास तबीयत जो लोग हसास तबीयत के होते हैं वो अक्सर ज़्यादा परेशान रहते हैं वो अक्सर ज़्यादा छोटी छुट छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं अब वो इस चीज़ को लेकर भी सोचते रहते हैं कि मैं ही क्यों छोटी छुट छोटी बातों पे परेशान हो जाता हूँ या मैं ही क्यों छोटी छुट छोटी बातों को ले बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो ये उनकी सिर्फ एक आदत की वजह से होता है और वो आदत ही यही होती है कि वो हर बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं वही बात जो एक आम इंसान को उसके जहन में आती है और चली जाती है वही दूसरी तरफ हसास तबीयत वाला इंसान जो होता है वो उस बात को पकड़कर सोचता है उसे इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये महज उसकी सिर्फ तबीयत की वजह से है उसको इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ है ज़्यादा सोचना ज़्यादा परेशान होना ज़्यादा सोचना ज़्यादा परेशान होना सिर्फ़ एक आदत है ओवर थिंकिंग एक आदत है और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम मनफी सोच जो भी हमारे जहन में आए उसे मुसबत सोच में तब्दील कर दें जितना ज़्यादा हम ये काम करेंगे उतनी ही हमारी सोच जो है वो मुसबत हो जाएगी और जितनी सोच हमारी मुसबत हो जाएगी उतनी ही हमें जो है वो चीज़ें कम से कम परेशान करेंगी घर में गुरबत का होना और भूख का होना रोज़गार की परेशानी दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन है भूख इंसान को बिला वजह डिप्रेशन में डाल देती है तो खुद के रोज़गार को बेहतर करने की कोशिश करें जितना हो सके और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको दिया है जो कुछ भी आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और बेहतर रोज़गार की तलाश जारी रखें मैदे की खराबी हमारा दिमाग और हमारा मैदा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं UH! अगर हमारा दिमाग डिप्रेस होगा तो हमारा मैदा डिप्रेस्ड होगा अगर हमारा मैदा डिस्ट डिस्टर्बड होगा तो हमारा दिमाग जो है वो डिप, डिप्रेस होगा अपने मैदे मैदे को और अपने दिमाग को जो है वो दोनों को ठीक रखें और दोनों को अगर आपने ठीक रखना है तो ऐसा खाना ना खाएं जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हो शुगरी फ़ूड हो कम खाएं और ज़्यादा चलें चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो हमें डिप्रेशन पैदा करता है इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च हो चुकी हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद की ख़राबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं भूख आपकी डिस्टर्ब हो जाती है आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है और आपको इंसोमनिया के साथ साथ डिप्रेशन हो जाता है तो बेहतर यही है चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें नींद की खराबी आजकल यंग जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये रोग लोग रात जो है वो फ़ोन पे गुजारते हैं और दिन जो है वो सोकर गुजारते हैं स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की सबसे बड़ी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है स्लीप डिप्रीवेशन यानी कि नींद की खराबी और आजकल की नौजवान नस्ल जानती ही नहीं है कि ये एक चीज़ जो है वो उनको किस कदर डिप्रेशन में डाल रही है तो अपनी नींद को बेहतर करें नींद को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंने एक तजर्बा करके देखा जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा मैंने तीन महीने नींद को इग्नोर किया मैंने ठीक से नींद नहीं ली तीन महीने बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और नींद मुझे लगता है कि बहुत अहम किरदार अदा करती है आपको डिप्रेशन में लेके जाने के लिए भी और आपको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए भी तो नींद को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक चीज़ है जो हम बड़े प्यार से इग्नोर करते जा रहे हैं नींद नींद को इग्नोर ना करें वरना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे खुराक की खराबी हमारे खाने पीने का सीधा ताल्लुक हमारी सेहत से है अगर हमारा खाना पीना अच्छा होगा तो हमारी सेहत अच्छी होगी अगर हमारा खाना पीना ख़राब होगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे क्योंकि हमारा मैदा ख़राब होगा और मैदे खराब होते ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़राब हो जाएंगी हमारे यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला नींद और ख़ुराक ये दोनों बहुत डिस्टर्ब हैं लोग फास्ट फूड खाते हैं बेटाइमा खाते हैं बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा एकदम खा के एनर्जी लेने की कोशिशों में अपना खाना पीना खुराक ख़राब कर देते हैं तो हमें वक्त पे खाना चाहिए थोड़ा खाना चाहिए कम मीठा खाना चाहिए और खाने के साथ साथ ऑयली खाने भी कम इस्तेमाल करने चाहिए जब हमें कोई जिस्मानी बीमारी हो जाती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं जब हम छोटा सा भी मामूली तौर पर भी बीमार होते हैं तो हमारे जहनी तौर पे हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हमारे अंदर डिप्रेशन ज़्यादा पैदा हो जाता है तो हमें उस वक्त अपने डिप्रेशन से ज़्यादा अपनी उस हालत के ऊपर काम करना होगा हमें उस बीमारी को ठीक करने के लिए बर वक्त मेडिसन लेनी पड़ेगी इसके साथ साथ हमें खुराक का ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉक को अपनी प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा नींद का ठीक से लेना चाहिए हमें होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो है वो हमारी बीमारी जल्द अज जल्द ठीक हो जाती है जैसे ही हमारी बीमारी ठीक होती है हम फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और हमारा डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है घर में कोई जहनी मरीज़ हो तो अगर आपके घर में कोई जहनी मरीज़ है और वो आपको डिप्रेशन दे रहा है तो ऐसे में एक बात याद रखें कि आप कोशिश करें कि आप उस मंज़र से भागने के बजाय उस मंज़र के साथ रहें आप ऐसे इंसान से नफ़रत करने के बजाय उससे मोहब्बत करें आप ऐसे इंसान से दूर जाने के बजाय उसके करीब जाएं और बेहतर से बेहतरीन उस इंसान के लिए करें आप नहीं जानते वो इंसान पता नहीं किस परेशानी में है वो इंसान पता नहीं किस नी कैफ़ियत में किस तकलीफ़ में जा रहा है किस तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहा है आपके चंद प्यार भरे अल्फ़ाज़ आपकी कुछ की गई केयर उसकी ज़िंदगी को बदल सकती है वो इंसान जब तक आपके पास है जब तक आपके साथ है आप अपना हंड्रेड एंड टेन परसेंट उसे दें यकीन करें आप अपनी तकलीफ को भूल जाएंगे आप अपने डिप्रेशन को भूल जाएंगे लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोनों को डिप्रेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी डिप्रेशन की वजह से आगे ओलाद में भी डिप्रेशन जाने के चांस ज़्यादा होते हैं मैं तमाम मियाँ बीवी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी उनके मामलत ख़राब हैं दोनों मियाँ बीवी बैठें और अपने मामला को ठीक करें आपके मामला आपके सिवा कोई नहीं ठीक कर सकता एस ए डी सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर जिन लोगों को एस ए डी है सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर है जो कि सर्दियों में होता है क्योंकि सर्दियों में सूरज नहीं निकलता तो जिसकी वजह से हमें वाइटामिन डी नहीं मिलता तो कोशिश करें कि आप जिस जगह पे भी रहते हैं उस जगह पे रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और सैराटोनिन रिच फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें सैराटोन रिच फूड पे मेरी बनी वीडियो है डिटेल के लिए आप वो देख सकते हैं पी टी एस टी पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है कि जिसमें इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ या कुदरती आफात हुई या उसे डिवोर्स हो गई या कोई रेप केस उसके साथ हो गया या कोई भी ऐसी कुदरती आफत जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल लिया बदल दिया इंसान बार बार उस मंजर में जाता है और ख़ुद को सोचता है और ख़ुद को तकलीफ देता रहता है वो अपने आप को उस पूरे इंसीडेंट्स का जिम्मेदार समझता है वो पूरे उस जो है वो हादसे का जिम्मेदार समझता है ऐसे में इंसान को एक ही अप्रोच रखनी चाहिए कि वो जो कुछ भी हुआ वो कुदरत की तरफ से था मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था कि मैं जो उसको बदलने के लिए कुछ ऐसा कर सकता अगर कुछ था भी तो वो भी कुदरती मर्जी थी कुदरती आफत थी जो मुझ पर आई और चली गई मुझे अब इस हाल में रहना है और खुदा न खास्ता दोबारा कभी ऐसा ना हो उसके लिए मुझे बेहतर से बेहतरीन को प्लान करना है मर्द का बिला वजह गर रहना मर्द का बिला वजह घर रहना इट्स एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है जो मर्द घर में रहते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और मुख्त स्टडीज़ में देखा गया है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं जब वो रिटायरमेंट ले, ले लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो ज़्यादा बीमार रहते हैं क्योंकि वो घर में रहते हैं तो जो मर्द भी घर में रहते हैं कोशिश करें कि घर में वेले ना बैठें और ख़ुद को किसी न किसी काम में उलझाए रखें सिचुएशनल डिप्रेशन इन्वायरमेंटल डिप्रेशन अगर आपको किसी वजह से किसी सिचुएशन से डिप्रेशन होता है जैसे कोई ऑफिस में कोई बंदा आपको डिप्रेशन देता है या ऑफिस में आपको डिप्रेशन होता है तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप सब्र करें अगर वहाँ सब्र रहना करना नामुमकिन है और वहाँ रहना नामुमकिन है तो बेहतर यही होगा कि आप उस जगह से चले जाएं आप वो जगह तब्दील कर लें उससे बेहतरीन किसी ऑफिस की तलाश करें और जैसे ही वो बेहतरीन ऑफ़िस आपको मिल जाएगा आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा आप जब तक अपने डिप्रेशन की वजह फाइंड आउट करके उस पर काम नहीं करेंगे उसको ठीक नहीं करेंगे आप जो मर्जी कर लें आप उस डिप्रेशन से नहीं निकल सकते डिप्रेशन एक स्टेट का नाम है माइंड का उस जगह पे अटे रहने का नाम है आपको उसको पकड़ के उस जगह से उस प्रॉब्लम से निकालना पड़ेगा अपने दिमाग को तो ही आपकी जो है वो प्रॉब्लम ठीक होगी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह स्ल्ला